thank you गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल और मैं निधि सो so, दोस्तों आज के वीडियो जो है वो एक स्किन केयर रिलेटेड वीडियो है टाइटल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे मस्ट हैव या मस्ट ट्राई प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ जो अगर आपकी स्किन ऑयली है या एक्नेस वगैरह होते रहते हैं तो एक्ने प्रॉन्स स्किन अगर है तो ये प्रोडक्ट्स मेरे हिसाब से आपको एक बार ज़रूर ट्राई कर लेने चाहिए क्योंकि एक्नेज पे पिम्पल्स पे ये वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी इफेक्टिव हैं आपकी स्किन अगर ऑयली है तो आप इन प्रोडक्ट्स को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं साथ में ये प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ही एफोर्डेबल है कोई भी बहुत हाई फाई फैंसी प्रोडक्ट्स नहीं है जिनके इंग्रेडिएंट्स तो बहुत सारे हैं जिनका हमको यूज़ भी पता नहीं है और शायद हमें ज़रूरत भी नहीं है सो so, एक बार आप इन प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं Uh, वैसे तो मेरी स्किन जो है वो एक्ने प्रॉन नहीं है नॉर्मल स्किन है लेकिन uh, मेरा पीएमएस पीरियड जब चलता है तब उस टाइम पे मेरी स्किन पे एक्नेज़ वग़ैरह होते रहते हैं तो मैं उस टाइम पे इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे मैं इन प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करती हूँ बट जब भी मुझे ज़रूरत होती है तब मैं इनको यूज़ करती हूँ और ये मेरे लिए एकदम वॉन्डर करते हैं सो so, uh, मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ में ये प्रोडक्ट्स शेयर करूं इन केस अगर आपको कोई प्रोडक्ट लगे तो आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं सो यस विदाउट मच डू लेट्स गेट इंड द वीडियो तो गायस आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर और मैं देना चाहती हूँ कि भले ही कोई प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर स्किन टाइप के लिए ही क्यों ना डिज़ाइन हो फिर भी ऐसा पॉसिबल है कि वो हर किसी को सूट ना करे अगर कोई प्रोडक्ट ऑयली स्किन के लिए बनाए तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट सब ऑयली स्किन वालों को सूट करेगा तो समटाइम्स कोई आपकी जो स्किन है वो रिएक्ट करती है पर्टिकुलर इन्ग्रीडियंट्स है और आपको पता नहीं होता इसलिए वो प्रोडक्ट्स आपको ब्रेक आउट करने लग जाते हैं एंड चलिए फटाफट मैं आपको दिखाती हूँ तो सबसे पहले जो मेरे पास प्रोडक्ट है वो है ये अमेजिंग सा प्रोडक्ट काफी अफोर्डेबल है हिमालय का है ये प्योरिफाइंग नीम फेस वॉश बहुत ही अच्छे से ये काम करता है जब भी मैं मेकअप वगैरह करती हूँ उसके बाद जब मुझे फेस क्लीन करना होता है तब मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ थोड़ा सा ये ड्राई करता है स्किन को जो नॉर्मल स्किन वाले हैं लेकिन अगर आपकी स्किन में एक्नेज वगैरह हैं और जब मेकअप करने के बाद जो स्किन होती है पोर्स जो होते हैं वो थोड़े से क्लॉग्ड होते हैं तब फिर मेकअप रिमूव करने के बाद मैं इसको यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छे से मेरे स्किन को एकदम से क्लीन कर देता है मुझे फील होता है और मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लगता है सो so, ये सिक्सटी फाइव रुपीज़ का फिफ्टी एम एल क्वान्टिटी है ये काफ़ी लंबा चलता है और मैं इसको रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि अब ये अबाउट टू फिनिश है खत्म होने वाला है काफ़ी लंबा आ, इसकी शेल्फ़ लाइफ भी होती है और मुझे काफ़ी सही लगता है ये प्रोडक्ट तो ये आप ज़रूर अपने किट में रख सकते हैं एंड नेक्स्ट जो मेरे पास है वो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है और ये है रिक्वल का ऑयल कंट्रोल फेस वॉश बहुत ही सही वाला प्रोडक्ट है मैं अगेन इसको डेली यूज़ नहीं करती हूँ पी एम एस पीरियड मेरा जो प्री मैंस्टरल साइकिल जब मेरी स्टार्ट होती है उसके पहले जो पीरियड चलता है तब इस वक्त मेरी स्किन बहुत ही अजीब सा बिहेव करती है तब मैं इसको यूज़ करती हूँ और इतना मैंने इसी पूरा फुल क्वांटिटी आता है बहुत ही अफोर्डेबल मैं कह सकती हूँ ये पूरा फुल क्वांटिटी आता है और आपको थोड़ा सा लेकर के अपनी स्किन को आ, वॉश करना होता है बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके स्किन पे जो भी डर्ट ग्राइम ऑयल कुछ भी है वो सब कुछ अच्छे से आपके पोर्स तक को क्लीन कर देगा तो मुझे काफ़ी सही लगा था ये लेकिन अगर आप नॉर्मल डेज में अगर आपकी नॉर्मल स्किन है ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है ये एंड बट इन नॉर्मल डेज जब मैंने इसे यूज़ किया था तो मेरी स्किन काफ़ी ड्राई फील कर रही थी तो ये ऑयल काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करता है और मेरे हस्बैंड भी इसको समटाइम्स यूज़ कर लेते हैं उनकी स्किन क्योंकि ऑयली साइड में है सो so, ऐसे प्रोडक्ट्स उनके लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये फ़ोर फिफ्टी की ये पूरी बॉटल है एंड इसकी क्वान्टिटी टू हंड्रेड है काफ़ी लंबा चलेगा काफ़ी सही वाला प्रोडक्ट है सो so, येस yes, ये इस तरीके से क्लियर जेल कंसिस्टेंसी में फ़ेस वॉश है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है ये जो इसका पर्पज़ है वो इस पर्पज़ को फुलफ़िल कर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ ये है बायोटिक का बायो पपाया स्क्रब वॉश है ये ये तो मेरे हिसाब से सबके पास में होना चाहिए वैसे ये ऑल स्किन टाइप के लिए है लेकिन जिनकी स्किन एक्ने प्रोन है उनको अगर स्क्रबिंग करनी है डेली बेसिस पे मैं कहूँ वीक में दो दिन जो हम करते हैं लाइट स्क्रबिंग करनी है क्योंकि जिनकी स्किन एक्ने प्रोन होती है अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा कोई एक्ने वगैरह हो रखे हैं तो आप फिजिकल एक्सफोलिटर जो आते हैं मार्केट में जो स्क्रब्स वगैरह हैं वो आपकी स्किन में थोड़ा सा टर कर सकते हैं क्योंकि आपकी स्किन थोड़ी सी एक्ने प्रोन है या थोड़ी सी इसमें कुछ कुछ एक्नेस हैं तो ऑलरेडी वो थोड़ी सी सेंसिटिव है या डेलिकेट है तो उस टाइम पे आप इसको ट्राई कर सकते हैं ये बहुत ही स्क्रबिंग इफेक्ट देगा बट इसके अंदर बहुत ही माइक्रो पार्टिकल्स हैं स्क्रब के सो आपके स्किन को पोर को बहुत ही अच्छे से क्लियर करेगा क्लीन करेगा और थोड़ा सा ब्राइटन अप कर देगा सो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा अगैन मैं इसको डेली नहीं यूज़ करती हूँ बट आप देख सकते हो कि ये यूज़ करते करते हो चुका है सो so, वीक में दो दिन मैं इसको यूज कर लेती हूँ जरूरत नहीं पड़ती है स्क्रबिंग करने की तो अगर आपके ऑल स्किन टाइप है तब भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं एंड अगर आपकी एक्ने एक्नीप्रॉन स्किन है ऑयली स्किन है तो भी आप इसको वीक में दो या तीन बार जैसा भी आपको लगता है कितनी फ्रिक्वेंसी में आप बाहर रहते हैं पोल्यूशन में रहते हैं उस पर डिपेंड करता है तो आपकी पोर्स को अगर अच्छे से आपको क्लीन करना है तो ये एक बहुत ही सही सॉल्यूशन है मेकअप वगैरह करने के बाद अगर आप अपने फेस को इससे वॉश कर लेते हैं तो आपके फेस पर जो भी रेसिड्यू बचा होता है मेकअप का वो भी हट जाएगा पोर्स डीप क्लीन हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है ये अगेन ये भी बहुत ही अफोर्डेबल है टू सेवेंटी रुपीज़ का मात्र है ये आ, इसकी क्वांटिटी क्वांटिटी थ्री हंड्रेड एम है सो ये तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है बट आप इसे डेली यूज़ मत कीजिएगा नहीं तो आपके जो स्किन है वो एकदम ही रोज़ रोज, रोज उसको स्क्रब इफेक्ट मिलेगा जो कि सही नहीं है तो डेली नहीं आप वीक में दो से तीन बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं बहुत ही सही वाला स्क्रब वॉश है इसमें और भी वेरिएशंस आते हैं बट मुझे पपाया वाला बहुत पसंद है और मैं से एक बोतल खत्म होते ही दूसरा ज़रूर मंगा लेती हूँ बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट मुझे लगा था बायोटिक का तो मुझे सूट होता है बायोटिक के प्रोडक्ट्स कई लोग कंप्लेन करते हैं कि बायोटिक के प्रोडक्ट्स हमको सूट नहीं करते हैं सो अगर आपको सूट नहीं करते हैं तो फिर आप स्किप कर दीजिएगा लेकिन अगर आप सूट करते हैं आपको या फिर आप ट्राई करना चाहते हो डेफिनेटली गो फॉर दिस ओके सो अब टोनर की मैं बात करती हूँ तो मेरे पास एक ये जोविस का स्किन टोनर है क्यूकबर वर्जन में ये ऑयली स्किन के लिए है बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है थोड़ा सा एस्ट्रोजेंट इफेक्ट है आपके स्किन पर थोड़ा सा सेंसेशन देगा बट मतलब आपके स्किन में जो भी एक्नेज वगैरह हैं उनके लिए काफ़ी सही वाला टोनर है पोर्स को काफ़ी अच्छे से टाइटन अप करता है क्लीन करता है और रिफ्रेश कर देता है तो ये Uh, काफ़ी सही है अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर एक्ने प्रोन है तो so, आप इस टोनर पर जा सकते हैं इसकी क्वांटिटी वन सेवेंटी रुपीज़ है अमेज़ॉन पर कुछ डिस्काउंट मैंने इसे वन फिफ्टी का अराउंड शायद लिया था एंड uh, इसकी क्वांटिटी जो मिलती है वो हंड्रेड एम की है सो so, काफ़ी सफिशियंट है अच्छे से स्प्रे के साथ यहाँ पर आता है इसका सेपरेट रिव्यू ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर कर चुकी हूँ सो so, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप इसे यूज़ करें तो कॉटन बॉल पर या हैंड्स पर लेकर है इसको यूज़ कीजिए डायरेक्ट स्प्रे करने से आँखों पर जलन होती है इससे और थोड़ा सा एक टिंगलिंग सेंसेशन भी होता है जो कि थोड़ी देर में चला जाता है तो कोई ऐसा इशू नहीं है लेकिन हाँ ये बहुत ही अच्छा टोनर है बहुत नेक्स्ट है मेरे पास ये वाव का विटामिन सी स्किन मिस्ट औसम प्रोडक्ट है इसका ऑलरेडी रिव्यू भी मैं डाल चुकी हूँ बट वाओ के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सारे ही मोस्टली मैंने जितने यूज़ किए हैं मुझे सारे ही आ, पसंद आए हैं और एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी ये वीडियो जो है कहीं से भी स्पॉन्सर्ड नहीं है जो मैं यूज़ करती हूँ मैं वही वीडियोज़ बनाती हूँ और मेरे सारे आ, जो भी ओपिनियंस होते हैं वो जेनविन होते हैं ऑनेस्ट होते हैं सो ओके सो कमिंग टू द पॉइंट हम बात कर रहे थे ये विटामिन सी सीरम हालांकि ये कहीं एक्ने एक्नेप्रॉन स्किन ऑयली स्किन वैसा कुछ नहीं लिखा है बट ये ऑल स्किन टाइप के लिए है आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है इसको लगाने के बाद आपकी जिनकी ऑयली स्किन है ना वो जस्ट कोई मॉइस्चराइजर भी ना लगाएं जस्ट एक एलोवेरा जेल या कोई भी पर्टिकुलर जेल लगा लें तो बहुत ही अच्छे से जाएंगे ये बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करता है वैसे ये स्किन मिस्ट uh, है तो ऑब्वियसली स्किन मिस्ट का काम यही होता है सो so, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था ये प्रोडक्ट सभी स्किन वाले लगा सकते हैं लेकिन अगर आपकी स्किन पर तो कोई एक्नेज वगैरह है कोई ब्रेकआउट हो रखा है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं ये uh, इसके अंदर वाइटामिन सी है जो एक एंटी का काम करता है तो आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है हाइड्रेट बनाता है थोड़ा सा सॉफ्टर लुक देता है और इसके अंदर एलोवेरा एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी है तो वो आपकी स्किन को कूलिंग विथ हैजल वगैरह है तो कूलिंग so, इफेक्ट देता है रिलैक्स करता है स्किन को सो so, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है तो आप ये सो okay. नेक्स्ट so, मैं आपको बताती हूँ ये सनस्क्रीन सो so, ये अगेन मेरे पास दो सनस्क्रीन है एक है ये वाओ का सनस्क्रीन एस पी एफ फोर्टी प्लस प्लस के साथ में बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है स्पेशली जिनको मैट इफेक्ट चाहिए जिनके स्किन ऑयली है एक्निप्रॉन है जिनके की पोर्स जो है वो क्लॉग हो जाते हैं सो so, uh, उस केस में आप इस पर जा सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मैटिफाइंग लुक देता है और बहुत ही अच्छे से काम करता है स्किन पे बहुत ही अच्छे से अब्जॉर्व हो जाता है ऑयलीनेस या कुछ भी इस तरीके का नहीं देता है तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये वाला सनस्क्रीन uh, सो so, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं अगर इसकी प्राइस की मैं बात करूँ तो थ्री सेवेंटी का है ये एंड आपको क्वान्टिटी शायद से हंड्रेड एम मिलती है बट इस पर वाओ wow की वेबसाइट से या अमेजोन से भी आप लेंगे ना तो कुछ ना कुछ ऑफर इस पर चलता रहता है सो so, आपको ये कुछ कुछ डिस्काउंट इस तरीके का मोस्टली मैंने देखा है कि मिल जाता है सो so, आप परचेज कर सकते हो बट ये काफ़ी अच्छा सनस्क्रीन है ये बिल्कुल वाइट कास्ट वगैरह नहीं देता है और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है यू वी रेज से सो फोर्टी फाइव जो है वो काफ़ी स्ट्रॉग एस है सो so, येस yes, आप इसको ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट जो है अगेन बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट है जो कि है ये रिकुल का सनस्क्रीन uh, है फॉर ऑयली एंड प्रॉन स्किन इसके अंदर आपको फिफ्टी पी ए प्लस प्लस मिल जाता है ये uh, इसकी प्राइस तो इसमें मैंशन नहीं है आई थिंक इसकी प्राइस आउटर बॉक्स में थी जो कि मैंने फेक दी है सो फिफ्टी ग्राम क्वान्टिटी मिलती है आपको और ये करीब वही तीन साढ़े तीन सौ के अराउंड आती होगी शायद से मैं लिंक दे दूँगी तो so, ये इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी अच्छी है और मैंने इसे कई बार यूज़ किया है <laughs> ये yes, सी काफी अच्छे से मेल्ट हो जाता है वो गॉड पूरा फैल गया यार तो ये देखिए कितना सारा क्वांटिटी फैल गई है और अब मैं ये वीडियो जो है रात में 10 से ग्यारह बजे बना रही हूँ तो इसको लगा भी नहीं सकती हूँ बहुत ही माइल्ड से इसके अंदर फ्रेग्रेंस आती है और ये फिफ्टी एस पी के साथ में मिलता है तो ये इसकी प्रोटेक्शन बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है कोई भी ग्रीजीनेस ऑयलीनेस नहीं देता है मेटिफाइंग इफ़ेक्ट देता है आपको जैसे कि ये वाला अगर मैं आपको बोलूँ तो ये थोड़ा सा ना कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी आ, थिक है लेकिन अगर मैं इसकी आ, कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो थोड़ी सी रनी है तो बहुत ही इजीली स्प्रेड हो जाती है आपको स्किन को खींचना नहीं पड़ता है तो ये वाले पे आप जा सकते हो डेफ़िनेटली और ये भी आप जा सकते हो जो भी आपको इन दोनों में से पसंद हो और आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है एंड जो फ्री रेडिकल्स की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से एक्नेज एंड ब्रेकआउट्स आपको होते हैं बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों से आपको सनस्क्रीन हेल्प करता है बचाने में सो so येस yes, बिल्कुल भी फोगेट ना कीजिए सनस्क्रीन लगाना घर पे हो या फिर बाहर हो बाहर निकलने तब तो, तो बिल्कुल ही स्किप नहीं कीजिए घर पे एक बार को करेंगे तो चल जाएगा लेकिन बाहर बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए लेकिन अगर आपकी एन एक्ने प्रॉन स्किन है ऑयली स्किन है तो आपको थोड़ा सा सजग रहना चाहिए थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए अपने स्किन केयर में नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग परफेक्ट प्रोडक्ट जो मुझे लगता है पर्टिकुलरली मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ही वो बहुत अच्छे से काम करता है लेकिन उससे पहले एक लास्ट छोटू सा प्रोडक्ट पहले ये दिखा दूँ यह है एवर यूथ का क्यूकम्बर एंड एलोवेरा फेस पैक बहुत ही सही वाला प्रोडक्ट है ये एंड इसकी प्राइस भी नहीं है इसमें मेंशन आई थिंक इसमें मेंशन नहीं है थर्टी ग्राम्स का ये क्वांटिटी है आपकी स्किन में कोई भी ब्रेकआउट हो कोई भी पिंपल्स हो या फिर कोई एक्नेस वगैरह कुछ भी हो आप इसको आराम से इस पर लगा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देता है आपके पोर्स को डीपली क्लीन कर देता है क्योंकि इसके अंदर आपको एलोवेरा मिलता है कोई कॉम्बर मिलता है एक नेगेटिव पॉइंट अगर इसका मैं बताऊँ तो इसके अंदर पैराबिज हैं सो so, अगर आपको पैराबिन वाले प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं बट मैं इसे यूज़ करती हूँ मुझे इसकी फ्रेगरेंस जो कि कॉम्बर की आती है और जिसमें एक कूलिंग uh, इफ़ेक्ट आता है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सो so मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ मुझे <laughs> मतलब चला लेती हूँ लेकिन हाँ इसके अंदर क्लियरली मैंशन है पीछे कि ये पैराबिन इसके अंदर है सो so, येस yes, उसके अलावा इसके अंदर है इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट है इसके अंदर इसके अंदर पपाया एक्सट्रैक्ट है पुदीना है हरदा यानी कि लौंग वगैरह है और भी बहुत कुछ कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट है बट साथ में पैराबिन भी हैं सो so, अगर आप पैराबिन वाले प्रोडक्ट आपने कभी ट्राई नहीं किए आपको नहीं क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से इस टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करते आई हूँ तो मेरी स्किन पे कुछ प्रॉब्लम तो मुझे नहीं हुई इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओके सो so नेक्स्ट अब आ जाते हैं अपने आ, स्टार प्रोडक्ट की तरफ जो कि है ये बायोटिक के दो एंटी एक्ने प्रोडक्ट्स तो so, पहला है बायो विंटर ग्रीन स्पॉट करेक्टिंग एंटी एक्ने क्रीम जो कि कुछ इस तरीके की पैकिंग में आता है ओके okay. वॉलिनी की पूरी स्मेल आती है इसके अंदर बट बहुत ही सही वाला प्रोडक्ट है एंड नेक्स्ट जो है मेरे पास ये है बायोटिक बायो, बायो स्पॉट करेक्टिंग एंटी एक्ने फेस पैक ये भी बहुत सही वाला प्रोडक्ट है और ये मुझे ही अकेले पसंद नहीं है मैंने अपने हस्बैंड को भी दिया था तो उनको भी बहुत ही अच्छा लगा जब उनका जब भी पिंपल हुआ मैंने ये अप्लाई किया सो so, दो दिन के अंदर वो पिंपल एकदम फ्लैट हो गया और जो पेन होता है वो तो ओवरनाइट ही चला जाता है तो ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं हाईली रेकमेंड करूँगी आप सबको जिन्होंने भी इसको ट्राई नहीं किया है एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा क्लीन स्किन पर इसको लगाना है इसके अंदर जायफल वगैरह है बहुत ही अच्छे एक्सट्रैक्ट्स हैं और मैंने एक्चुअली पहले मतलब जब ये प्रोडक्ट नहीं ट्राई किया था उसके पहले भी एक बार मुझे स्मॉल पॉक्स हुए थे तब मुझे वो स्पॉट्स वगैरह आ गए थे तो वो जा ही नहीं रहे थे तब मैंने ये जायफल वगैरह लगाया था जिसका डी किया था एंड मैजिकली वो कुछ हफ्ता दस दिन के अंदर चले गए थे स्पॉट्स सारे सो so, इसीलिए मुझे इन प्रोडक्ट्स पे काफ़ी ट्रस्ट है एंड ये उसी तरीके से इफ़ेक्ट देते हैं बहुत ही अच्छे से स्पेशली जो फेस मास्क है जो इसका तो वो आप अफेक्टेड एरिया में लगा लीजिए आपको अगले दिन नहीं तो दो दिन के अंदर ज़रूर डिफरेंस देखने को मिलेगा सो so, मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ही पसंद है और सिर्फ एक्नेस पिम्पल पर ही नहीं अगर आ, कहीं न, कहीं इंसेक्ट बाइट या कुछ ऐसा भी हो जाता है ना मैं तभी भी वहाँ पर लगा लेती हूँ तो वहाँ पर जो पेन होता है ना वो तो समझ लीजिए फ़र्स्ट एप्लीकेशन पर ही आपका चला जाता है तो मैं नॉर्मली इसको ओवर लगा लेती हूँ तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मेरी दे स्किन पे रहे बट इसको कैसे अप्लाई करना है इसका पूरा डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे ऑलरेडी लाइव है आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं बट इन शॉर्ट अगर आपके स्किन पे एक्नेस पिंपल की प्रॉब्लम हमेशा रहती है तो आप एक बार इन प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है वन नाइनटी $19, दोनों का जो प्राइस है सेम है टू हंड्रेड का ये टब आपको मिलता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी क्योंकि इसको आपको पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करना होता है सिर्फ अफेक्टेड एरिया में अप्लाई करना होता है वो भी थोड़ा सा तो ये काफ़ी लंबा चलता है तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है बट मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मस्ट हैव प्रोडक्ट लगता है तो मेरी तरफ से हाईली हाईली रिकमेंडेड है बट स्टिल कुछ लोग होते हैं जिनको कि कुछ प्रोडक्ट्स नहीं सूट करते हैं सो इट डजेंट मीन कि वो प्रोडक्ट खराब है हमारी स्किन पे समटाइम्स uh, कोई कोई चीज़ें नहीं सूट करती मुझे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सूट नहीं करती हैं मैं उनको यूज़ नहीं करती हूँ वो पड़े हुए हैं मेरे ड्रॉर्स में तो उनके बारे में बात नहीं करती हूँ लेकिन हाँ हर किसी के स्किन में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपको मैजिकली सूट कर जाती हैं कुछ चीज़ें एकदम ही ड्रास्टिकली आपको आ, नहीं सूट करती हैं और कुछ चीज़ें नॉर्मल से बिहेव करती हैं तो इट डिपेंड्स ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने खुद चीज़ें खरीदी हैं यूज़ किए हैं ओवर द टाइम एंड आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रही करूँ क्योंकि काफ़ी बार मेरे पास इस चीज़ के लिए क्वेश्चन आते हैं कि हम कौन सा फ़ेस वॉश यूज़ करें कौन सा ये करें मॉइस्चराइज़र मैंने आपको इसमें कोई नहीं बताया है बट बत अगर आपको चाहिए तो रिकोल का इसी रेंज का एक मॉइस्चराइज़र आता है थ्री फिफ्टी के अराउंड कुछ बड़ा टब आता है टू हंड्रेड की क्वान्टिटी आती है मेरे पास नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है मुझे तो काफ़ी पसंद है और मैंने कई लोगों से इसे डिस्कस किया तो उसका जो आ, आ, मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर करके आता है मैं लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप लोगों को चाहिए होगा दैट केस आप कमेंट करेंगे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आप वो वाला प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं वो ऑयली स्किन एक्प्रॉन स्किन के लिए स्पेशली डिजाइंड है काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं लोगों के सो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्सअप दीजिए एंड कॉमेंट करके मुझे बताइए आप इनमें से कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या करना चाहते हैं और भी अगर आपकी कोई क्वेरी है कोई रिक्वेस्ट है कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन ज़रूर प्रेस कीजिए तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर